ओके सो गाइस वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. और आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है फॉर योर वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन. और इसमें जो हमने एग्जामिनेशन टारगेट किया है दैट इज CDS, AFCAT एंड INET एग्जामिनेशन, बिकॉज ये ग्रेजुएशन के बाद वाले एग्जामिनेशन है और सभी एग्जामिनेशन में पैटर्न जो है वो कुछ मिलता जुलता है. तो हमने आप सभी के लिए एक क्विज सेशन यहाँ पर पहले शेड्यूल किया था, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया होगा. जिन्होंने नहीं दिया है वो क्विज, जो कि मैथमेटिक्स का क्विज था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसकी लिंक वहां पर अवेलेबल है. और रेगुलर बेसिस पर आपको मैथमेटिक्स की और दूसरे सब्जेक्ट की जो भी आपके ग्रेजुएशन वाले एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, डिफेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप उन क्विजेस को यहां पर अटेंड कर सकते हैं. और उन क्विज को अटेंड करने के बाद यहां पर मैं उस पर्टिकुलर क्विज का लाइव एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं. ठीक है, मतलब इसका एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि भाई आप इन क्विज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसी से हो सकते हैं कि सारे बन गए हों, किसी से कुछ नहीं बने होंगे, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है इससे आपको उन सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना था, क्या कोई इंपॉर्टेंट अप्रोच थी जिसको हम यहां पर अप्लाई कर सकते थे, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ये क्विज यहां पर क्यों आया. सर आपने पढ़ाया तो नहीं ये टाइम एंड वर्क फिर यहां पर क्यों आया, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो टाइम एंड वर्क के बारे में मैं बात कर रहा हूं. इस पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो आप डिफेंस मास्टर यूट्यूब चैनल यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने यहां पर आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करी है. बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो लिंक है वो मैं यहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और डायरेक्टली आप डिफेंस मास्टर में भी टाइम एंड वर्क की क्लास यहां पर देख सकते हैं. अलग से प्लेलिस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरा क्विज है और इसी तरीके से सीरीज भी आगे चलती जाएगी. ठीक है, तो हम इसके ऊपर जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे. क्वेश्चन आप सभी को मिल गए होंगे. ठीक है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आप उसको अटेंड करेंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डिफेंस मास्टर जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बाकी अगर आपने क्विज अटेंड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं. देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज. ठीक है, एक आदमी है भाई जो यहां पर क्या करता है कि वो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो ए जो है वो 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, बी जो है वो 15 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है और सी जो है वो 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा. ठीक है, जब आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको ये अप्रोच समझ में आएगी. अभी हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे कि भाई इनका एलसीएम लेना है. ठीक है, तो इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60. ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं टोटल वर्क, है ना, कि टोटल वर्क है जो काम इन तीनों ने यहां पर कंप्लीट किया सेपरेटली उसके बारे में बात हो रही है. 60 वर्क को कंप्लीट करने में ये 10 डेज लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये कितना करेगा 4, ये कितना करेगा 3. तो ये क्या हो गया, यहां पर जो वैल्यू लिखी है ये इनके वन डे के वर्क की यहां पर वैल्यू है जिसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं. ठीक है, अब यहां पर बोला गया है आगे कि ए एंड सी वर्क टूगेदर फॉर 2 डेज. ठीक है, ए और सी जो है वो यहां पर 2 दिन यहां पर काम करते हैं. तो देखिए सिंपल सी बात है, ए का एक दिन का काम कितना है 6, सी का एक दिन का काम कितना है 3. ठीक है, तो एक दिन के दोनों के काम कितने हो जाएंगे, 6 + 3 = 9 हो गया. कितने दिन काम किया है, 2 दिन इन्होंने काम किया, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 18 वर्क जो है वो इन दोनों ने यहां पर कंप्लीट कर दिया. अगर मैं बात करूंगा रिमेनिंग वर्क की तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालूंगा, टोटल वर्क कितना है भाई 60 में से 18 यहां पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये 42 वर्क जो है ये अभी रिमेनिंग वर्क है जो इनको कंप्लीट करना है. फिर आगे बोला गया है कि आफ्टर 2 डेज एंड देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी. मतलब अभी यहां पर कौन काम कर रहे थे, ए और सी काम कर रहे थे, अब कौन काम करेगा, बी और सी यहां पर काम करेंगे. बी का एक दिन का काम कितना है 4, सी का एक दिन का काम कितना है 3, तो टोटल इनका वन डे का वर्क कितना हो गया भाई, वन डे का वर्क जो आ गया ये आ गया यहां पर 7. ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया. फिर पूछा गया है कि हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वर्क वॉज कंप्लीटेड. तो अभी इन दोनों को यहां पर कितना काम करना है भाई, 42 वर्क करना है, तो नंबर ऑफ डेज कितने कैलकुलेट हो जाएंगे यहां पर, 42, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7, तो यहां पर कितना हो गया 6 डेज आपको देखने को मिल गए. अब पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे, तो 2 दिन यहां पर लगे और 6 दिन यहां पर लगे हैं, तो 2 + 6 करूंगा तो टोटल कितना आ गया 8 डेज, तो 8 डेज जो है ये हमारा राइट आंसर आ गया. ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है. सो ऑप्शन नंबर डी जो था वो हमारा राइट आंसर है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ही सिंपल है, जो वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर चैप्टर को आगे की जो भी मैथ्स की क्लास है आपकी CDS, AFCAT और INET के लिए
उन सभी को बहुत आसानी से आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, मतलब कि अब दो दो लोगों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो ए और बी जो है वो 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं, बी और सी जो है वो 15 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं, और ए और सी जो है ये 20 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होती है कि मैं टोटल वर्क निकालता हूं, कैसे एलसीएम निकाल लेता हूं, तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, आगे बोला गया है कि सी अलोन कैन डू अ वर्क इन, मतलब ये तो दो लोगों का साथ साथ में दिया हुआ है ना। अभी ये पूछा जा रहा है कि सी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका यहां पर, ये हो गया 60। तो 60 वर्क करने में सी को यहां पर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, 2a plus b plus c is equal to, ये कितना हो जाएगा 13। सो यहां पर मुझे मिल गया कि a plus b plus c is equal to 13/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6/1/2 भी यहां पर लिख सकता हूं, मिक्स फ्रैक्शन, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अब यहां पर जो ये आपने निकाला है ना, ये क्या निकाला है भाई, ये इनका वन डे का वर्क है। ठीक है, वन डे इनका वर्क है। अब एक बात बताइए, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6/1/2, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये 13/2 है ना, इसको भी सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 13/2 ही आएगा। अब मुझे c के बारे में पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को यहां पर लिखूंगा, a प्लस बी, यहां पर ये वन डे का वर्क है। ठीक है, तो यहां पर वन डे का वर्क कितना है भाई, 6 है ना, तो इसको क्या किया, 6। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करोगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, प्लस माइनस कर रहा हूं सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 1/2। टोटल वर्क कितना है भाई, 60। तो आपको ये बताना है कि कितने दिन लगेंगे, तो 60/1/2, तो टोटल डेज कितने लग गए आपके, 120 डेज। ये हमारा राइट आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल था, बस आपको वो वीडियो जिसके बारे में बात कर रहा हूं ना वो देखना है। उसमें क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर एक स्ट्रेटेजी बताई गई है, जो भी मैं यहां पर कर रहा हूं ये चीजें पता है। क्विज का देखिए लाभ तब होता है जब आपको थ्योरी पता हो, अगर आपको थ्योरी नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, तो क्विज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मेरे पढ़ाने का तरीका आपके पढ़ने का या क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका डिफर होगा, तो ये ट्रिक आपके लिए काम नहीं करेगी। बट अगर आपने वो चीजें पढ़ी हुई हैं तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मजा भी आ रहा होगा। आगे अभी क्वेश्चन थोड़े आसान थे क्योंकि आपका पहला टेस्ट है ये। ठीक है, हर एक चैप्टर के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 हम क्विज करेंगे। ठीक है, ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए जो है वो 24 डेज में कंप्लीट करता है, बी जो है वो 9 डेज में कंप्लीट करता है, और सी जो है वो 12 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेता हूं, तो ये हो गया 72, ये हो गया आपका टीडब्ल्यू, मतलब कि टोटल वर्क, ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये इनका क्या गया भाई, वन डे का वर्क आ गया। ठीक है, जैसे वन डे इंटरनेशनल होता है ना, ठीक है, क्रिकेट में उसी तरीके से ये आपका वन डे का वर्क आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, तो यहां पर बी और सी जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं, बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डेज। लेकिन उनको क्या बोला गया कि 3 दिन बाद जबरदस्ती जो है वो उनको काम से हटा दिया गया। द रिमेनिंग वर्क जो है, जो बचा हुआ काम है वो ए ने किया, तो ए ने कितने दिन में वो जो बचा हुआ काम है वो यहां पर कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए, सो बी और सी का वन डे का वर्क निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8+6 कितना हो गया भाई, 14। कितने दिन काम किया, 3 डे काम किया ना इन दोनों ने, उसके बाद इनको हटा गया, तो 14 × 3 किया, तो कितना हो गया, 42, ये हो गया आपका 42। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, रिमेनिंग वर्क निकालूंगा, तो 72 में से 42 माइनस करूंगा, कितना आएगा, 30। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, 72 माइनस 42 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आपको 30 यहां पर देखने को मिल गया। अब ए से पूछा गया कि भाई ए जो है वो कितने दिन में काम करेगा, तो ए का वन डे का वर्क कितना है, 3 है ना, बस एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आ गया आपका 10 डेज, जो कि आपका राइट आंसर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप मैंने आज आपको पढ़ाए थे ना, उन्हीं सब टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दिए, जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेगुलर बेसिस पे उन्हीं के ऊपर क्विज होगा, ताकि आप उनको बहुत आसानी से यहां पर अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 एंड 35 डेज रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये करते हैं 28 डेज में, ये करता है 35 डेज में. ठीक है भाई, अगली बात बोली गई है, दे बिगेन टू वर्क टूगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज. मतलब दोनों ने यहां पर क्या किया, साथ में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए ने कुछ दिन यहां पर काम छोड़ दिया एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम है वो बी ने 70 डेज में कंप्लीट किया. आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, मतलब कितने दिन के बाद ए ने यहां पर काम करना छोड़ दिया. चलिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालता हूं, एलसीएम कितना आ गया 140, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये आपका है टोटल वर्क. इसको बार बार लिखा करो, बार 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 बार, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप यहां पर लिख क्या रहे हो, ये आपको पता चल जाएगा. ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, ये लाइन खींची मैंने, यहां पर इन दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, इस वाले सेक्शन में ए ने काम छोड़ दिया, यहां पर बी अकेला काम कर रहा है. रिमेनिंग वर्क जो है वो बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 17 डेज में. मतलब बी का वन डे का वर्क कितना है भाई, 4, 17 डेज का कितना हो जाएगा, 68. तो 68 वर्क जो है वो यहां पर इन्होंने कंप्लीट कर दिया. अब एक बात बताइए, जो बचा हुआ काम है वो इस सेक्शन में हुआ होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2. ठीक है, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालूंगा, 142 माइनस 68, तो कितना आ गया, 72. यहां पर कौन कौन काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं ना, ए प्लस बी, तो इनका वन डे का वर्क नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 72, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8. ये 8 क्या है, ये 8 डेज हैं, 8 डेज तक ए और बी ने दोनों ने साथ में काम किया, इसका मतलब है कि ए ने एक दिन के बाद यहां पर काम छोड़ दिया. तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. क्या आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स. ए जो है वो किसी काम को 4 घंटे में करता है. बी एंड सी, ठीक है, अब यहां पर इस तरीके से बोला गया, बी एंड सी जो है वो 3 घंटे में करते हैं और ए और सी जो है ये किसको कितने घंटे में करते हैं, 2 घंटे में. ठीक है, ये इस तरीके की इक्वेशन यहां पर बनेगी. हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा. तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेता हूं, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम से ये होगा टोटल वर्क, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6. कोई दिक्कत परेशानी किसी को. अब एक बात बताइए, ए प्लस सी का जो वन डे का वर्क है वो 6 है, ए का 3 है. ठीक है, इसमें अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3. कोई दिक्कत, आसान है ना ये, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, 4 3 12, तो ये 6 आ गया. अब उसके बाद एक बात बताइए, अगर सी की वैल्यू 3 है और बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 दिया है, तो बी की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी, तो ये बी की वैल्यू आपने 1 कैलकुलेट कर ली. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको. बस अब बी का वन डे का वर्क निकल गया है, तो अब आपको ये बताना है कि कितने दिन लगेंगे 12 काम कंप्लीट करने में. ठीक है, एक दिन में एक काम करता है, 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12. तो ये आपका आंसर आ गया. बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी जो भी राइट आंसर है ना वो तो बहुत आसानी से निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या यहां पर बात करता है. ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, मैं लिखना चेंज करना भूल गया था. अब हम यहां पर करेंगे, ये भी इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 5 था और ये क्वेश्चन नंबर 6 है. ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. ए जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है और ए प्लस बी दोनों जो हैं ये 8 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं. तो आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना. तो इसका जो एलसीएम आ गया ये 24 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया. अब एक बात बताइए, अगर ए प्लस बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 1. कोई दिक्कत, ए की वैल्यू तो 1 ही आएगी ना. मैं देखो अगर इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो भाई वन डे का वर्क कंपेयर कर रहा हूं, तो दोनों जगह पे मैं वन डे के वर्क को ही रखूंगा और कुछ भी नहीं रखूंगा. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ डेज आपको निकालने. So 24 टोटल वर्क है, एक दिन में एक करता है, तो आंसर कितना आ गया, 24 डेज हमारा राइट आंसर आ गया. तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है. तो ये थे टोटल 6 क्वेश्चन जो आज के पेपर में आपसे पूछे गए थे, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको आज पढ़ाए भी थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं 7 की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या लेके आया है. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज. ठीक है, तो ए और बी जो है वो टुगेदर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी और सी जो है वो 12 दिन में करते हैं,
एंड ऑल ऑफ द थ्री कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days. सो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6. तो आपको ये बताना है कि भाई ए प्लस सी उस काम को अगर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही सिंपल है. आप यहां पर क्या करो, पहले एलसीएम निकाल लो 24, ये आ गया आपका टोटल वर्क. ठीक है, अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ए की जरूरत है, ए के वन डे के वर्क की और सी के वन डे के वर्क की. ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो पहले लिखा मैंने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है 4. अगर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो c की वैल्यू मिल गई मुझे यहां से. और अगर c की वैल्यू आपको मिल गई है, अब आपको कितना निकालना है, देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो आपको a की वैल्यू चाहिए और आपके पास b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. कोई दिक्कत परेशानी? अब a प्लस सी का वन डे का वर्क निकाल लीजिए तो कितना हो गया 1 प्लस 2 मतलब कि 3 आ गया. अभी इनको 24 वर्क करना है तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया, तो 24 वन डे का वर्क आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 3, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 8, जो कि हमारा राइट आंसर है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान. ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको भविष्य में भी आसान मिलने वाले. ठीक है, बट शुरुआत अगर आपकी अच्छी है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये आपको पता है, तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, मतलब मजा आ जाएगा आपको कि सर ये वाली अप्रोच अच्छी है, क्योंकि इससे आगे के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज. जो ए और बी है वो 72 डेज में यहां पर वर्क को कंप्लीट करते हैं, और B और C जो है वो 120 डेज में करते हैं, और A और C जो है वो 90 डेज में करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है. और A, B और C जब तीनों साथ में काम करते हैं तो आपको बताना है कि 3 दिन में उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया. ठीक है, 1/40 किया, 1/30 किया, 1/20 या फिर 1/10. ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा. सबसे पहला काम है कि टोटल वर्क निकालिए. टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360, आपका एलसीएम हो गया. ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको ऐड कर लीजिए, तो इसको ऐड करोगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा ना, 2a plus b plus c is equal to एक दिन का काम कितना हो गया 12. लेकिन मुझे इनका काम चाहिए भाई, a plus b plus c is equal to 6. तो ये इनका वन डे का वर्क आ गया. ये क्या है भाई, ये इनका वन डे का वर्क है. उन्होंने कितने दिन काम किया ये बताइए, उन्होंने 3 डे काम किया है ना. तो अगर मुझे 3 डे का निकालना है तो क्या करूंगा, 6 × 3 मतलब कि 18 वर्क उन्होंने कंप्लीट किया है. टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 360. तो 360 का कौन सा पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया है, तो कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 360. एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 360. तो मैंने 360 लिख लिया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/20, जो कि आपका राइट आंसर है. ये भी पूछ सकते थे आपसे, ये भी पूछा जा सकता था कि रिमेनिंग वर्क बताओ कि रिमेनिंग वर्क कितना है. तो एक काम एक होता है, उसमें से 1/20 माइनस कर दीजिए तो 19/20 आपका रिमेनिंग वर्क हो जाता है. जो भी पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर आंसर निकाल सकते थे. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, थोड़े बहुत आपके डाउट रहे होंगे अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो, है ना, तो उन डाउट को इसी एनालिसिस में आपको क्लियर करना है. और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिए भाई, है ना, तो उसको भी क्लियर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा. अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. ए और बी जो है 12 दिन में कंप्लीट करते हैं. ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज एंड बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली. अब यहां पर यह बोला गया कि भाई बी जो है ना वो क्या करता है कि पूरे दिन में केवल आधे दिन काम करता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि वो एक दिन में 4 काम कर रहा है ना, लेकिन वो एक दिन में केवल आधे दिन काम कर रहा है, इसका मतलब है कि केवल वो 2 दिन काम करेगा. पहले वो 4 दिन करता था, लेकिन जब आधे दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, केवल 2 काम करेगा. तो आपको ये बताना है कि जब दोनों ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं. इसका जो आपका एलसीएम आएगा कितना आएगा, 60. ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3. ठीक है, अगर मान लीजिए ए प्लस बी का वन डे का वर्क जो है वो 5 है और A का वन डे वर्क का वर्क 3 है, तो B की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी. बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही आसान है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है.
अब ए जो है ना वो तो पूरे दिन काम करता है, इसका मतलब है कि वो तीन काम हमेशा करता है, लेकिन बी जो है वो क्या करता है, वो केवल आधे दिन काम करता है। तो बी वैसे तो दो काम कर सकता है लेकिन अभी केवल एक ही कर रहा है, क्यों? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि वो केवल आधे दिन काम करता है। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, फोर वर्क कंप्लीट करेंगे। अब आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ डेज बताइए, काम कितना करना था 60, ये हो गया 4, तो कितना आ गया 15, जो कि आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आज के क्विज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप में से जिसने भी क्विज नहीं दिया जरूर अटेम्प्ट करिएगा, आप इस सेशन को देख चुके हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हैं, क्विज कहां मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, अगर आप टाइम एंड वर्क को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए जो है वो 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है और बी जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है। बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, बी जो है वो 9 दिन तक उस काम को करता है। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब बी ने काम किया 9 दिन, उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया और जो बचा हुआ काम है वो ए ने किया, तो बस आपको यही बताना है कि ए ने कितने दिन में बचे हुए काम को कंप्लीट किया। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो एलसीएम लेके, कितना हो गया 60, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब बी जो है उसने काम स्टार्ट किया और 9 डेज उसने काम किया, ठीक है, बी ने 9 डेज काम किया, इसका मतलब है कि 5 × 9 तो कितना हो गया 45 वर्क जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बी ने काम को स्टार्ट किया, ठीक है भाई। सो बी इज इक्वल टू अगर 9 डेज तो ये होगा 45 वर्क, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क निकाल लेता हूं, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालूंगा, 60 में से 45 माइनस किया कितना आ गया 15, बोलिए 15 आ गया। अब आपको बताना है कि ये जो 15 काम किया वो किसने किया है, ए ने किया है ना, तो ए एक दिन में 3 वर्क करता है, तो 15 वर्क कितने दिन में किया, तो 15 / 3 तो ये हो गया आपका 5 डेज। सो 5 डेज जो है आपका राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में है ना, आपको लग रहा होगा कि सर इसको सॉल्व करने में बहुत सारा लिखना पड़ रहा है और ऐसा, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए इतना सारा लिखा हमने, ये तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। जैसे आप इस तरीके से करेंगे कि एलसीएम क्या हुआ, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बचेगी। हर क्वेश्चन में अगर आप सेकंड्स बचाएंगे तो भी आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल जो है वो बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे और टाइम भी बचेगा आपका, और यही पूरा आपका टारगेट है जो आपको यहां पर अचीव करना है, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा सेशन नंबर 1 हमारे क्विज का, नंबर 1 का। आप लोगों ने क्विज में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, डू मेंशन इट। मिलते हैं हमारे अगली क्लास में, अगले क्विज में, क्विज जरूर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लास देखना है तो उसकी भी लिंक आपको क्लास की भी मिल जाएगी, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो आपको जो भी ये क्वेश्चन थे ना, इसकी थ्योरी क्या है, अप्रोच कैसे होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो सब चीजें मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर 1 घंटे की क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो, थैंक यू सो मच।